ऐसे आप आज से हम लोग पढ़ेंगे सर्किल से रिलेटेड एक एक्सरसाइज, नाम है एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर एंड सेगमेंट। इस एक्सरसाइज से 4 मार्क्स का हमेशा बोर्ड में आता ही है, तो उससे ऊपर भी आ सकता है। समझ रहे? तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे सर्किल क्या होता है, और सर्किल के बारे में हम लोग क्लास 9 से समझ रहे हैं, और क्लास 10th में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि सर्किल के बारे में सब कुछ फिर से बताया था। आज हम लोग को उतना बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इन टॉपिक्स में हम लोग कंसंट्रेट होंगे, जैसे कि एरिया ऑफ सर्किल सेक्टर एंड सेगमेंट। तो उससे रिलेटेड कुछ बातें पहले समझो क्या सब होता है। जैसे ये सर्किल के बारे में पता है कि सर्किल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। मतलब सर्किल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का क्या है, सेट है, जिस पर प्रत्येक पॉइंट जो है एक गिवन पॉइंट से क्या होता है, बराबर दूरी पे होता है। ये तो हम लोग जान रहे हैं, मतलब वो जो पॉइंट्स है जैसे P है, Q है, R है, S है, ये सारे पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं सर्किल पे, पॉइंट्स हो सकते हैं, और ये सारे पॉइंट जो होंगे एक गिवन पॉइंट जिसको सेंटर ऑफ सर्किल कहते हैं, क्या कहते हैं, से बराबर दूरी पे होंगे। मतलब O से P का दूरी, O से Q का डिस्टेंस, O से R का डिस्टेंस, O से S का डिस्टेंस, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल। ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, दीज आर कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्किल। समझ में आ रहा है? और सर्किल पे कोई दो पॉइंट पी और क्यू है सर्कमफ्रेंस पे, ये भी आप लोग जानते होंगे। इस राउंडेड लेंथ को क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। ये जो लेंथ है, यदि हम यहाँ पी से स्टार्ट करते हैं, ऐसे कलम चलाते हैं, वापस पी पहुंचे, ये पूरा लेंथ क्या कहलाएगा, सर्कमफ्रेंस। सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे मान लेते हैं पॉइंट्स पी एंड क्यू है, तो पी क्यू को जोड़ने वाले लाइन को कॉर्ड ऑफ सर्किल कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉर्ड ऑफ सर्किल। ओके, और सबसे लंबा कॉर्ड सर्किल का जो सेंटर से पास करता है उसे क्या कहते हैं, डायमीटर। तो पी ओ आर जो होगा सो डायमीटर ऑफ सर्किल होगा, और डायमीटर के बारे में आप जानते हैं, ये डबल ऑफ क्या होगा, डायमीटर क्या होता है, और आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हुएगा, ये सर्कमफ्रेंस जो एक लेंथ हुआ सर्किल का, यदि हम एक सर्किल एक हम वायर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वायर को ऐसे बेंड करके एक सर्किल का फॉर्म लेते हैं, कहते हैं, तो उस वायर का लेंथ जो होगा वो सर्किल का क्या होगा, सर्कमफ्रेंस होगा, सर्किल के सर्कमफ्रेंस का लेंथ, मतलब उस वायर का लेंथ। तो ये सर्कमफ्रेंस हुआ, ये लेंथ, यदि पी से ऐसे मानो तो एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है, और एक हमको इसको फेंस करना है, क्या करना है, सब फेंस करने के लिए हमने एक स्ट्रिंग खरीदा, तो हम उसको पी से स्टार्ट करेंगे तो वापस गिरते गिरते सराउंड करते करते कहां आएंगे, यदि पी से स्टार्ट करते हैं इसको फेंस करना, तो पी से स्टार्ट करेंगे तो वापस कहां पहुंचेंगे, पी पे। तो हमको कितना लंबा फेंस चाहिए, कितना लंबा लेंथ ऑफ फेंस क्या होगा इसका, सर्कमफेरेंस, क्या होगा, तो सर्कमफ्रेंस को सी से इंडिकेट करते हैं। अब फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है, पाई पाई क्या होता है, तुमको कहा जाए कि सर्कुलर प्लॉट है उसको घेरना है, तो कितना लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए, कितना लंबा रस्सी चाहिए। तो हम लोग रस्सी की लंबाई कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ पे पी रखे और ऐसे रस्सी को घुमा के यहाँ तक ले गए, क्लियर लेंथ होगा, इससे स्टार्ट किए वापस कहाँ पहुंचे, इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा जो इसको फेंस मतलब घेरने की जरूरत पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे वो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू फेंस दिस सर्कुलर प्लॉट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आप लोग जान रहे हैं, और डायमीटर का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 * रेडियस, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ओ पी भी आर होगा, ओ आर भी आर होगा, तो पूरा पी आर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एरिया ऑफ सर्किल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर। यदि ये सेमी सर्किल है, ये क्या है, क्या ये, तो इसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, हाफ पाई आर, क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर। इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर प्लॉट का सर्कमफ्रेंस जो होगा, सर्कमफ्रेंस ये यहां से यहां तक, यदि लेंथ पी वाई क्यू, ये जो
कर्व पोर्शन देखते हो पी वाई क्यू, ये आर्क ऑफ सर्किल भी कराएगा, इसको सेमी आर्क भी करते हैं, क्या कहते हैं ये, या सेमी सर्किल करते हैं, पी वाई क्यू क्या कहलाएगा सेमी सर्किल। तो इसका लेंथ फ्रॉम पी वाई क्यू का लेंथ मतलब लेंथ ऑफ आर्क पी वाई क्यू जो होगा सो क्या हो जाएगा पाई आर, क्या हो जाएगा पाई। यदि आपको एक सेमी सर्कुलर प्लॉट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसको फेंस करना है, क्या करना है तो कितना लेंथ चाहिए स्ट्रिंग का, तो ये सेमी सर्किल का लेंथ मतलब पी आर सॉरी पाई आर, सेमी सर्किल का लेंथ क्या होता है पाई आर और प्लस ये लेंथ क्या हो जाएगा टू आर। तो सेमी सर्कुलर प्लॉट को जब फेंस करना है क्या करना है घेरना है तो उसके लिए कितना लंबा स्ट्रिंग लेंगे ये हाफ सर्कल का लेंथ मतलब लेंथ ऑफ आर्क पी वाई क्यू जो कि पाई आर होगा और प्लस ये डायमीटर टू आर, इतना ही लंबा ये जो लेंथ आएगा हमको पाई आर प्लस टू आर वही लेंथ ऑफ फेंस होगा। मतलब यदि इसको हम लोगों को क्या करना है या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क। पेरीमीटर जब भी कभी पूछेगा तो पेरीमीटर एक क्लोज फिगर का निकलता है, क्या निकलता है क्लोज फिगर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है पॉइंट पी पे, वो अब वो प्लॉट कैसे जा रहा है वो फिगर कैसे जा रहा है उसको पूरा कवर करते हुए वापस पी तक पहुंचना है, वो सारा लेंथ जोड़ने से जो आएगा क्या कहलाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इस प्लॉट का यदि सेमी सर्कुलर प्लॉट है इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या लेंगे इस सेमी सर्कुलर आर्क का लेंथ क्या लेंगे प्लस क्या लेंगे ये डायमीटर का लेंथ। कोई प्रॉब्लम सेमी सर्कुलर एरिया क्या हो जाएगा हाफ पाई आर, सेमी सर्किल का लेंथ पूछेगा तो लेंथ ऑफ आर्क पी वाई क्यू जो कि टू पाई आर का हाफ होगा मतलब पाई आर होगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या लिखे हैं पी वाई क्यू, क्या लिखे हैं पाई आर, क्लियर है तक yes, चलो आगे देखो। देखो अब है सेक्टर क्या होता है, क्या होता है लेकिन सेक्टर से भी पहले ये समझ जाओ कि मानो पी क्यू कोई कॉर्ड है सर्किल का, पी क्यू क्या है कॉर्ड है, तो ये सर्किल को दो पार्ट में बांटता है एक ये रीजन और एक ये रीजन, एक ये रीजन देख रहे हो ना एक ये रीजन और एक ये रीजन दो पार्ट से बांटता है ना, जहां मेरा कलम चल जाए दूसरा रीजन हुआ, इसको लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट, इस पार्ट को क्या कहते हैं माइनर सेगमेंट, ये कहलाएगा मेजर। गॉड डिवाइड सर्किल इनटू इनटू टू पार्ट्स, एक मेजर पार्ट एक माइनर पार्ट, ये माइनर सेगमेंट हुआ ये मेजर सेगमेंट। और इस कॉर्ड के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है वो क्या है पीएक्स क्यू, पीएक्स क्यू आर्क है तो पी क्यू क्या हो गया कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो ये कहलाएगा माइनर आर्क, पीएक्स क्यू क्या कहलाएगा माइनर आर्क। और यहाँ वाई लगा दो तो QYP क्या कहलाएगा मेजर। यदि हम लेंथ ऑफ आर्क PXQ में ऐड करते हैं लेंथ ऑफ आर्क QYP, ऐड करते हैं QYP तो पूरा सर्किल हो जाएगा 2 पाई आर का लेंथ, पूरे सर्किल का लेंथ क्या होता है 2 पाई आर, सर्किल का पूरा लेंथ क्या हो जाएगा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। यदि हम इस आर्क PXQ में जोड़ दें आर्क QYP तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, एनी प्रॉब्लम, ये माइनर सेगमेंट ये मेजर सेगमेंट कोई दिक्कत नहीं है, ये सब सब यूज होगा आगे पढ़ाई में, हम लोग को क्वेश्चन सब आएगा फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये माइनर आर्क हुआ PXQ, क्या हुआ और ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ उसका कॉर्ड हुआ, ये मेजर आर्क हुआ QYP उसका ही कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ कॉर्ड हुआ, समझे। तो पी क्यू कॉर्ड जो है सर्किल को दो भागों में बांटा, ये माइनर सेगमेंट ये मेजर सेगमेंट, अक्सर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा तुमको फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, कोई दिक्कत। अब देखिए देखो अब सेक्टर क्या होता है, जैसे वो सेंटर है सर्किल का जो सर्किल तुम्हारे सामने बना है बोर्ड पे, ये वो क्या उसका सेंटर है, यहां से हम दो रेडियाई ड्रॉ करते हैं एक ओपी और एक ओक्यू, तो ये जो रीजन है जहां मेरा फिंगर मूव कर रहा है ये रीजन देख रहे हो ना, ये रीजन हुआ एक ये रीजन देखो और एक ये दो पार्ट में बट गया सर्किल, ये जो रीजन है इतना बड़ा दिख रहा है ना और ये रीजन क्या दिख रहा है छोटा छोटा दिख रहा है, ये एंगल 180 प्लस है और ये एंगल क्या है 180 से नीचे है, ये एंगल क्या है 180 से नीचे और ये एंगल क्या है 180 से ज्यादा है,
ये एंगल क्या है 180 प्लस और ये एंगल क्या है 180 माइनस। 180 से क्या है माइनस। तो ये दो पार्ट में बांट रहा है, मतलब दो रेडियल से जो क्लोज स्पेस होता है सर्किल के अंदर, इसके अंदर या रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियल विद इन द सर्किल, दो रेडियल सर्किल के अंदर जो रीजन बाउंड कर रहा है उससे हम लोग कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्किल। क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ सर्किल। ये क्या कहलाता है? सेक्टर ऑफ सर्किल। तो यहाँ भी तुम लोग देख रहे हो कि दो तरह का सेक्टर बन रहा है, एक माइनर आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, आर्क पीएक्सक्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है, जो कहते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर। और ये आर्क क्या है? क्यू वाई पी। यार क्या है? क्यू वाई पी। क्यू आई मेजर आर्क क्यू आई पी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर, ये है ना। जब इस रीजन को क्रॉस से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? क्रॉस लाइन, क्रॉस से दिखा रहे हैं किस रीजन को? मेजर सेक्टर। किसको? मेजर सेक्टर को हम लोग किसे दिखा रहे हैं बताइए? क्रॉस से दिखा रहे हैं। ये पूरा दिन तक लगा मेजर सेक्टर। डॉट से किसको दिखा रहे हैं? माइनर सेक्टर को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? माइनर सेक्टर। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताइए। तो सर्किल के अंदर मतलब दो रेडियाई के बीच में जो रीजन बाउंड होगा उसे क्या कहते हैं? सेक्टर। ये सेक्टर हुआ पोर्शन। पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? सेक्टर। जहां पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा मेरा? सेक्टर। ये माइनर सेक्टर और ये पोर्शन मेजर सेक्टर। जो क्रॉस रीजन देखते हो क्या? मेजर सेक्टर। और ये मान लो एंगल को थीटा मानते हैं, इसे क्या मानते हैं? थीटा। ये कहलाएगा एंगल ऑफ सेक्टर। ये क्या कहलाएगा? थीटा। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल ऑफ माइनर सेक्टर थीटा है, तो एंगल ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? 360 माइनस थीटा। आए समझ? थीटा क्या कहलाएगा? ये माइनर सेक्टर का एंगल कितना है? थीटा है, तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। अब लोग पढ़ेंगे कि सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ये जो रीजन देख रहे हो दोनों रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला देखते हैं कैसे आता है। ओके, अब देखो, जब हम लोग सेक्टर समझ गए क्या होता है और एरिया ऑफ सेक्टर फिर फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, समझ गए फॉर्मूला क्या क्या होता है। जैसे मान लो कि ओपी एक मूविंग लाइन है, क्या है ओपी? क्या है? और ये इस दिशा में जो कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं इसको? ओपी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करे, एक बार पूरा मूव कर जाए, क्या कर जाए? इफ इट मेक्स वन कंप्लीट राउंड, समझे? यदि एक बार ओपी ऐसे पूरा मूव कर जाए, ये कितना एंगल से घूम जाएगा बताओ? 360। इसका जो ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, ओपी का जो जहां से ओरिजिनेट ऐसे लाइन है, ये पूरा ऐसे घूम जाए तो पूरा सर्किल का एरिया शिफ्ट करेगा ना। और कितना एंगल से इसका इसका और ये जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो कितना एंगल से घूम जाएगा? 360 डिग्री से मूव किया तो कितना एरिया शिफ्ट किया? और यदि 1 डिग्री से मूव किया तो समझा। और यदि थीटा डिग्री कितना एंगल से घुमा है? ओपी यदि कोई लाइन सेगमेंट ओपी O से स्टार्ट करके मूव करके कहाँ पहुंचा? क्यू पे। ऐसे मूव करके कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा। अब कितना एंगल से मूव किया? तो 1 डिग्री से मूव किया तो 360 डिग्री मूव कर गया तो कितना एंगल शिफ्ट किया? 1 डिग्री मूव किया तो 360 डिग्री से मूव कर गया तो 360 डिग्री। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। इस सेक्टर का कितना हो गया? माइनर। ये माइनर सेक्टर हुआ ना, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या निकला हम लोग को? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। कोई प्रॉब्लम? हां, ये इसको पॉइंट एक्स यहां मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? तो इस सेक्टर का भी जिसका हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये तो माइनर सेक्टर है जिसका एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? थीटा। ध्यान देना, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है स्टूडेंट्स? समझे? अगर अभी जो ये फॉर्मूला निकला है पाई स्क्वायर थीटा बाय 360, वो इस सेक्टर का एरिया निकला है। इस सेक्टर को लिखते कैसे हैं? ओ पी एक्स क्यू ओ। क्या लिखते हैं इसको? ओ पी एक्स क्यू ओ। ये सेक्टर को हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे? ओ पी एक्स क्यू ओ। वापस ओ पे आएंगे,
ओ से स्टार्ट करने के वापस ओ पे, इससे पिक्चर क्लोज हो गया। क्या हो गया? ये पूरा रीजन का एरिया निकल गया, समझे? तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या पढ़ेंगे इसको, ओपी एक्स क्यूब हो, क्या बोला निकला हम लोग को, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ये माइनर सेक्टर। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना होगा मेजर सेक्टर का, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ क्यू वाई पी ओ, क्या बोलेंगे इसको, ये मेजर सेक्टर हुआ, मेजर सेक्टर क्या नाम पड़ेगा, ओ ऐसे स्टार्ट करते हैं ओ क्यू वाई पी ओ, वाई पी ओ, ओ क्यू क्यू वाई पी ओ, मतलब यहां से स्टार्ट किए ऐसे 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 पूरा रीजन को शो कर रहा है इसको, करा ना। इस सेक्टर का नेमिंग कैसे करोगे, ओ पी सॉरी ओ क्यू, ये क्यू है ना, समझा? एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, एंगल क्या लेंगे यहाँ पे 360 माइनस थीटा बाय 360, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर एंगल क्या है 360 माइनस थीटा, यहाँ पे सेक्टर एंगल थीटा था तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकला, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और इस बड़े वाले सेक्टर ये पोर्शन जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बाय 360। इस तरह को दोनों सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखो, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर्स मेजर सेक्टर दोनों समझ गए, अच्छा समझ गए, फॉर्मूला समझ गया ना। अब आगे देखो, ये सर्किल है, वो सेंटर है, ओपी एक्स क्यू क्या है, सेक्टर है, ये पी एक्स क्यू कहलाएगा आर कॉप सेक्टर, क्या कहलाएगा, ये जो है ये पी एक्स क्यू क्या कहलाएगा, आर कॉप सेक्टर। हम लोग देखते हैं कि इस आर का लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, यदि हम लोग को ये फाइंड करना हो कि सेक्टर एंगल कितना है स्टूडेंट्स, थीटा है, हम लोग को फाइंड करना होगा कि इस लेंथ ऑफ आर पी एक्स क्यू क्या होगा, लेंथ ऑफ आर पी एक्स क्यू क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ आर पी एक्स क्यू, इस आर का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा बाय 360, समझ रहे हो ना। तो इसी प्रकार से जो मेजर आर का लेंथ होगा, या वाई मान लेते हैं पॉइंट यहां पे, तो मेजर आर्क जो है तुम्हारा क्या है, क्यू वाई, इसका मेजर आर्क का लेंथ हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्यू वाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू I into R थीटा क्या हो जाएगा, Y 300, ठीक है। अब एक फॉर्मूला देखो, ये सेक्टर, अभी पर फिर समझ लेना कि ये सेक्टर है, OPXQ क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर, और ये R कॉप सेक्टर हुआ PXQ, समझे? तो लेंथ ऑफ R PXQ क्या हो जाएगा, 2 पाई R थीटा बाय 360, और ये लेंथ ऑफ मेजर आर्क जो होगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या नाम उसका, क्यू जो क्यू आई पी होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू 360 माइनस थीटा बाय 360, इसे हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम? अभी हम लोग पढ़े हैं ये जो सेक्टर है ओपी एक्स क्यू हो, उसका एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पढ़े हैं ना, जिसका एरिया फाइंड करना हो सेक्टर ओपी एक्स क्यू होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ इनटू 2 पाई आर थीटा बाय 360 इनटू आर, बोलो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, तो क्योंकि 22 कट जाएगा, 22 कैंसिल, 22 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब ये बताओ 2 पाई आर थीटा बाय 360 इस सेक्टर के आर का लेंथ फार्मूला है, यस 2 पाई आर थीटा बाय 360 इस सेक्टर जिसका एंगल थीटा है उसका आर का लेंथ है, यस नहीं है, फार्मूला से देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको l * r, तो ये भी फार्मूला हो गया सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ इनटू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस, समझा?
हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, ये भी इस फॉर्मूला से भी तुम क्या फाइंड कर सकते हो, एरिया ऑफ सेक्शन क्या फाइंड कर सकते हो, क्या फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क, आगे देखते रहोगे हाफ इंटू एल इंटू आर, क्या नहीं देखा हम लोगों को एरिया ऑफ, जहां एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क है, उस सेक्टर का आर्क लेंथ है जिसका एंगल कितना है थीटा, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है थीटा, समझ रहे हो बात ना, इसको क्या है रेडियस है, इससे हम निकाल सकते हैं इस सेक्टर का एरिया, इस फॉर्मूला से ही फाइंड कर सकते हैं, यदि हमको आर्क लेंथ पता हो, क्या पता हो रेडियस पता हो, तो उस कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर का हम क्या निकाल सकते हैं एरिया फाइंड कर सकते हैं जिसका लेंथ ऑफ आर्क हमको पता है, क्या पता है लेंथ ऑफ आर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो पी एक्स क्यू, क्या पढ़ते हैं इसको ओ पी एक्स क्यू ओ, समझो बात ना, तो ओ पी एक्स क्यू क्या है सेक्टर है, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब समझते हो, उसी भी क्लोज फिगर का ही हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं, क्या निकालते हैं जैसे ओ से स्टार्ट किए हैं ये लेंथ लेंगे, क्या लेंगे क्या लेंगे इसी क्लोज फिगर का टोटल लेंथ जो होगा बाउंड्री का लेंथ, उसे क्या कहते हैं पेरीमीटर, बाउंड्री का लेंथ टोटल निकला था पेरीमीटर, तो ये क्लोज फिगर है इसका पेरीमीटर मतलब ये लेंथ मतलब आर प्लस ये आर्क लेंथ ऑफ आर्क पी एक्स क्यू, लेंथ ऑफ आर्क पी एक्स क्यू क्या बोला होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360 और प्लस अगेन ये लेंथ क्या है रेडियस, निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं पेरिमीटर ऑफ सेक्टर, ये रेडियस का लेंथ लेंगे आर लेंगे प्लस इस आर का लेंथ लेंगे पी एक्स क्यू क्या लेंगे और प्लस क्या लेंगे इस आर का लेंथ लेंगे इस रेडियस का लेंथ लेंगे कितना आर, आर प्लस एल प्लस आर, क्या देगा पेरिमीटर ऑफ सेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो इसी में देखो देखो ओ पी एक्स क्यू ओ माइनर सेक्टर है और थीटा क्या है एंगल ऑफ सेक्टर, यदि हम लोग पी क्यू को जोड़ देते हैं पी क्यू क्या करते हैं जोड़ तो इस सर्किल को दो पार्ट से बांटता है, दो पार्ट में बांटता है और ये जो तुम देख रहे हो ओ पी ओ क्यू रेडियाई हुआ और इसके अलावा जो बाउंड्री रीजन है ये रीजन क्या कहलाएगा माइनर सेक्टर और ये जो रिमेनिंग रीजन है इधर क्या कहलाएगा मेजर सेक्टर, सब कुछ समझ में आ चुका है। अब ये जो आर्क पी एक्स क्यू है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन है पी क्यू, तो कॉर्ड पी क्यू सर्किल को दो पार्ट से बांटता है, ये कहलाता है मेजर सेगमेंट, ये कहलाता है मेजर सेगमेंट, ये क्या कहलाता है माइनर सेगमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन तुमको बहुत सारे क्वेश्चन जब तुम एक्सरसाइज सॉल्व करने जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको फाइंड करना होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, देखो क्लियर है कि हम लोग को ये एरिया निकालना है, क्या निकालना है हम लोग क्या निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ई एक्स, क्या पढ़ेंगे इसको ई एक्स क्यू पी, क्या पढ़ेंगे इसको ई एक्स क्यू पी, ये माइनर सेगमेंट हुआ, इसका जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एक्स क्यू ओ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा ओ पी एक्स क्यू ओ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा पी ओ क्यू होगा, यदि हम इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं क्या करते हैं तो हम लोग क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या निकल जाएगा क्लियर है। अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यहां से स्टार्ट करते हैं इसको पी क्यू वाई पी, क्या पढ़ेंगे इसको ऐसे रहेगा पी क्यू वाई पी, ये रीजन पूरा पी क्यू के ऊपर, पी क्यू के ऊपर जितना भी जो सर्किल का जो रीजन इनसाइड रीजन है, सर्किल जो है अपने अंदर प्लेन का कुछ पोर्शन क्या कर लिया है सराउंड कर लिया है, क्या कर लिया है तो पी क्यू के ऊपर जो सर्किल के अंदर का रीजन है, पी क्यू के ऊपर
जो सर्किल के अंदर का रीजन है पूरा रीजन, समझ हो ना, इसे क्या कहते हैं मेजर सेगमेंट, क्या कहते हैं major. और इस रीजन का क्या होगा, एक एरिया होगा, एक सरफेस मेजरमेंट होगा, क्या होगा सरफेस मेजरमेंट को ना एरिया कहते हैं. तो ये जो एरिया मेजर सेगमेंट होगा, क्या होगा मेजर सेगमेंट होगा, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पूरे सर्किल के एरिया में से ये एरिया माइनस कर दोगे एरिया क्या निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट क्या निकल जाएगा, यदि हम लोग पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया घटा दे तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पी एक्स क्यू, सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पी क्यू वाई पी, मतलब ये रीजन समझ में आ जाएगा ना. अच्छा स्टूडेंट, ये नहीं समझता हम क्या निकाल रहे हैं, ये रीजन हुआ मेजर सेगमेंट, क्या हुआ, तो इसका जो एरिया होगा वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ना क्या नाम देंगे फर्दर ठंडे कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ माइनर मेजर सेगमेंट जो पी क्यू वाई पी है ये रीजन, वो एरिया ऑफ होल सर्किल, एरिया माइनस एरिया ऑफ क्या जगह माइनस सेगमेंट पी एक्स क्यू पी, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पी एक्स क्यू पी हो जाएगा, समझ में आ गया, तो होगा तुम लोगों ना, इस सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देंगे क्या निकल जाएगा मेजर सेगमेंट का, तो प्रॉब्लम नहीं है. अब कहोगे सर इसमें ट्रायंगल पीओक्यू का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सेक्टर का एरिया का प्रॉब्लम समझ गया ना, अब तुमको जरूरत है कि ट्रायंगल पीओक्यू का एरिया का मामला क्या होगा, ट्रायंगल पीओक्यू का एरिया का मामला क्या होगा, है ना क्वेश्चन वाले में, ये देखो कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम लोग को ये फाइंड करना है इससे सेक्टर एंगल कितना है यहाँ पे थीटा, तो लोग क्वेश्चन था बारे में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू कैसे फाइंड करेगा, इधर बारे में तो ऐसा करते हैं, इसका एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तुम क्वेश्चन फॉर्मूला डिराइव मत करना, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना. वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू वो हो जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, सही बात ना, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, लेकिन फॉर्मूला कैसे आया, मन में क्वेश्चन तो आता होगा ना, क्या शिक्षक के पास तो लोग यही सब समझने के लिए आते हैं एडिशनल बातें, कैसे आया हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या ऐसा करते हैं यहाँ से पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन में तुम सिर्फ फॉर्मूला यूज करना, डिराइव मत करना, कॉन्सेप्ट के लिए बताते हैं, एक पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल पीओ एम, देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा ओपी क्या है रेडियस आर, तो पीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो पीएम बराबर क्या देगा स्टूडेंट्स आर इनटू साइन थीटा, क्या आएगा आर इनटू, तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस लेंगे ओक्यू, बेस क्या लेंगे ओक्यू, तो हाइट क्या हो जाएगा पीएम, उसी के सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, पीएम क्या हो जाएगा हाइट, हाफ इनटू ओक्यू, ओक्यू क्या है रेडियस, ओक्यू क्या है, अब पीएम क्या निकला हुआ है आर साइन थीटा, देखो फॉर्मूला पड़ गया हाफ इनटू आर को यार क्या हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ इनटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या निकल गया हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू निकल गया, सर यार इसी फॉर्मूला से तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू निकालोगे, क्या फॉर्मूला था उसका, हाफ इनटू आर स्क्वायर इनटू साइन थीटा, कोई दिक्कत, अरे लास्ट टॉपिक देखो उसका पूरा चैप्टर तुम लोगों से कर जाएगा फटाफट, ओके, और इसका लास्ट टॉपिक है एरिया सेक्टर ऑफ सर्किट, उसका एरिया सेगमेंट का एरिया पढ़ चुके हैं हम लोग, सारे फॉर्मूला समझ चुके हैं, अभी लास्ट टॉपिक है जिसके बाद तुमको पूरा एक्सरसाइज बेधड़क बन जाएगा, अब सेक्टर तो बुझ गए, दो रेडियाई ले लो एक ओपी और एक ओक्यू, ये रीजन क्या हो गया सेक्टर, रीजन क्या हो गया सेक्टर, यदि सेक्टर एंगल 90 डिग्री हो तो इनका कुछ खास नाम होता है, क्या होता है, अब इस सेक्टर का क्या हो जाए कुछ खास ना, तुम लोग में सब कोई स्टूडेंट्स हो, कोई बाद में आईएएस बन सकता है, पीएस बन सकता है, बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं, कुछ नया नाम आए ना होगा तो मनुष्य है, तो सर सेक्टर ये भी क्या है सेक्टर, ये जो ओपीएक्सक्यूओ है, ओपीएक्सक्यूओ है तो सेक्टर,
लेकिन एक नया नाम पढ़ने जा रहा है, क्योंकि इसका एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? 90. जब एंगल ऑफ सेक्टर 90 हो, जब एंगल ऑफ सेक्टर क्या हो? 90 हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? कुछ पता है? नाम स्पेशल पड़ गया है तो सेक्टर ही नाम क्या पड़ गया इसका? क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPXQ क्या हो जाएगा? पाई इनटू आर स्क्वायर इनटू थीटा. थीटा बच्चों क्या लोगे? 94. तो पाई आर स्क्वायर बटा 4, ये 1/4 एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा. 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा. समझा? 1/4 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट हो गई ना. जिस सेक्टर का सेक्टर एंगल कितना हो? 90 हो, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं. एरिया क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर. और यही फॉर्मूले के हेल्प से यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस. जय हो. जय हो. लिखो.